एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। मैं जोया। तो आज इंटरमिटेंट फास्टिंग का सेकेंड डे है पलक नोट्स चैलेंज के हिसाब से। तो आप कौन सी रोटी खा रहे हैं, और अगर गलत तरीके से रोटी खा रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर ही बनाए होम मेड मल्टीग्रेन आटा की रोटी, जो बहुत टेस्टी है। तो उसके लिए मैंने लिया था ओट्स और जौ का आटा लिया है, फ्लैक्सीड लिए हैं, बेसन लिया है, और मल्टीग्रेन आटा मैं घर में पहले से ही यूज़ करती हूँ, पहले से ही मैं उसको खाती हूँ, मल्टीग्रेन ही खाती शुरू से। तो मैंने थोड़ा सा लिया है, हाफ कप के करीब लिया है मल्टीग्रेन आटा, एक कप लिया है ओट्स, एक कप मैंने जौ का आटा, एक कप मैंने फ्लैक्सीड का पाउडर बनाया है, हाफ कप बेसन। तो उसको मिक्स कर लिया है इस तरीके से। ये मेरा आधा ख़त्म हो चुका है। गूंदने के बाद ये इस तरीके का होता है, और बनने के बाद रोटी इस तरीके की होती है। तो ये रोटी आपको बहुत हल्का फील करती है, बहुत लाइट फील करती है। मैं दो रोटी खाती हूँ रात को, और मुझे लगता नहीं है कि मैंने कितनी रोटी खाई है, ऐसा लगता है कि रोटी खाई नहीं है। तो बहुत लाइट वेट है इसका रोटी का, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका कि डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है, लाइट वेट है इसका, वेट लॉस में हमारा बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देगा ये रोटी अगर हम लोग खाते हैं। अगर आप इसके परांठे भी खा सकते हो, इसको रोटी के उसमें भी खा सकते हो, एक खाओ, दो खाओ या तीन खाओ, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके के ध्यान रखना। जो आप नॉर्मल आटा है उसको भी यूज़ करें, लेकिन जितने भी आप क्वांटिटी ले रहे हो उससे कम में आपने नॉर्मल आटा डालना है। मैं मल्टीग्रेन शुरू से खाती आ रही हूँ, लेकिन मैं फ्लैक्सीड जो ये सब नहीं मिक्स करती थी, ओट्स नहीं मिक्स करती थी, तो मैंने अब वो भी मिक्स करके मैं उसके साथ में खा रही हूँ। तो मुझे बहुत यम्मी टेस्ट लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैं इस तरीके की रोटी खा रही हूँ। कि मुझे पहले डर लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यकीन माने मुझे अब नॉर्मल रोटी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा कंपैरिजन टू दिस रोटी। तो आप भी आज से यही रोटी खाएं और इसी आटे को बनाएं घर के अंदर ही, जब ख़त्म हो जाए तब आप इसको बना लें। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सिर्फ आधा कटोरी आटा लगता है दो फुलकों के लिए। तो आप देख लीजिए आपको कितने फुलके खाने उसके हिसाब से, और दो मिनट नहीं लगते आटा गूंदने में भी। तो मैं तो रोज़ यही खा रही हूँ, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। और आप भी अगर चैलेंज में हैं तो इस तो आप भी इसी तरीके की रोटी बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें, और भूल जाएं कि आपका वेट बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन आटा इसी तरीके से बनाएं और इसको इन्जॉय करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।